Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna review this Dona empowerment pepper spray, jo ki ek defense spray hai. Ye spray maximum un logo ke liye kaam mein aane wali bahut hi achhi cheez hai, jo log travel karte hain bahut zyada akele, ladkiyan specially, aur jo female society mein akeli, matlab ghar mein akeli rehti hain, kahin bahar rehti hain, apni family se dur rehti hain, to ye unke liye bahut hi kaam ki cheez ho sakti hai guys. To basically aapne dekha hoga guys ki जो बिग सिटीज़ हैं उसमें लड़कियां मोस्ट ऑफ ले अकेले ही रहती हैं, जैसे बिग सिटी बॉम्बे दिल्ली, या बिग सिटी की बात की जाए या छोटी सिटी की बात की जाए, मतलब जो लड़कियां अकेली रहती हैं ये उनके लिए बहुत ही अच्छी एक काम की चीज़ हो सकती है गाइस. सो गाइस, जो ये स्प्रे है ये बेसिकली डिफेंस के काम आता है. वैसे आपने बहुत सारा सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, वो स्प्रे करती हैं लड़कियां दूसरे पर्सन के ऊपर जो उनके ऊपर हार्म पहुंचाने की उनको कोशिश करते हैं या हार्म ऑलरेडी पहुंचा चुके होते हैं. तो आपने कुछ नहीं करना है, फटाफट आपने ऐसी जगह पे इसको छुपा के रखना है जहां से आप जल्दी से इसको इजीली जो वो कैच कर ले और उसको कर सके स्प्रे. और हाँ, इसमें मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ या एक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि आपने किसी के ऊपर जो आपको सस्पेक्ट लग रहा है उसके ऊपर ही इसको यूज़ नहीं कर लेना है. जब तक कोई पर्सन आपको हार्म ऑलरेडी पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, आपको लग रहा है सीरियसली कि वो उससे आपको खतरा महसूस हो रहा है, तभी आपने इसका यूज़ करना है किसी के ऊपर. अदरवाइज ऐसे ही आपने किसी सस्पेक्ट के ऊपर इसको यूज़ नहीं कर लेना है, राइट. तो गाइज, इसका एक जो हैशटैग है वो है मस्ट कैरी वन. देखिए बहुत ही अच्छा इसका हैशटैग है. और इसका क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली यूज फॉर सेल्फ डिफेंस पर्पस. ठीक है, मतलब जो सेल्फ डिफेंस के पर्पस है उसके लिए ही इसको यूज़ करना है और बच्चों के पहुँच से इसको दूर रखना है. तो इसकी बात कर लेते हैं प्राइसिंग की और क्या क्या इसमें किस तरह से यूज़ करना है, इंग्रेडिएंट और सेफ्टी की बात कर लेते हैं गाइस. तो बेसिकली जो टिप एंड यूजेस हैं गाइस इसके, वो हैं यूज़ एम्पावरमेंट पेपर स्प्रे ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी, लाइक एमरजेंसी में ही यूज़ करना है. सेकेंड वन इज़ डोंट लेट द सस्पेक्ट गिव इन विद इन आर्म्स रीच, कीप देम एट बाय. सेकेंड वन इज़ वंस यू स्प्रे द टर्न एंड रन अंटिल यू फाइंड अ सेफ प्लेस. ठीक है गाइज. तो फोर्थ वन इज स्प्रे इन द फेस एरिया, आइज, नोज एंड माउथ फॉर्म डिस्टेंस. जिस पर भी आपने स्प्रे करना है उसको डिस्टेंस से ही स्प्रे करना है. फिफ्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एज सून एज पॉसिबल अपॉन फाइलिंग टू कंप्लेन विद इन 24 आवर्स ऑफ द यूजेस, लीगल एक्शन मे बी टेकन अगेंस्ट यू. मतलब कि आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर देना है जिस पर भी आपने स्प्रे किया होगा, अदरवाइज वो ही आपके ऊपर झूठा केस ना कर दे कि इसने मेरे ऊपर इस तरह से स्प्रे किया है, राइट. तो इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो इफेक्ट है, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बाद स्प्रे करने के बाद. तो दैट इज अपॉन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द डिफेंस स्प्रे स्लैम आईज शट, द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इरिटेट सेंसिटिव बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, इम्पैक्ट लेंसेज अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट. तो मतलब इसको अगर किसी के ऊपर आप स्प्रे करते हैं तो तक 45 मिनट तक रहेगा, तो मतलब आपको बचने का अच्छा एक मौका मिल जाएगा. और सेफ्टी मतलब किस तरह से आपने, क्या इसको सेफ्टी है, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, विल फॉलो द फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन दैट आर इंक्लूड विद योर डिफेंस स्प्रे. ठीक है गाइस. और स्टोरेज क्या है, स्टोर योर डिफेंस स्प्रे इन ए कूल एंड ड्राई एरिया अवे फ्रॉम हीट फ्लेम और स्ट्रॉन्ग लाइट, प्रोवाइड वेंटिलेशन. ठीक है गाइस. और इसकी बात कर लेते हैं तो इसका प्राइस रहेगा, इसका 350 रुपीज़ का इसका प्राइस है और आपको इजीली ये मिल जाएगा 350 रुपीज़ में. अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो और भी ये जो आपको सस्ता पड़ जाएगा. लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी गाइस इसका. वैसे ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी कि अच्छी चीज़ है. बट हाँ, ये उसी टाइम यूज़ करना है जब आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो, अदरवाइज़ इसको एवे यूज़ नहीं कर लेना है आपने. और मैं आपको अंदर का इसका बता देती हूँ कि किस तरह से है. तो ये कुछ इस तरह की एक छोटू सा बोतल रहेगी, मतलब स्प्रे टाइप की, जैसे आम स्प्रे होते हैं. और ये स्टील की है और मतलब इजी टू यूज़ है, आपको जस्ट स्प्रे करना है. खैर मैं अभी स्प्रे नहीं करूँगी इसको. तो ये इस तरह की, देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट सी, स्पेशली गर्ल्स को तो ये कैरी करना चाहिए यार, मतलब ज़रूरी है ये आज की डेट में. वेल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो. मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और शेयर तो गाइज इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिए ना, जितना हो सके, जो आपकी बहनें या
आपके जो भी फैमिली रिलेटेड जो वीमेन हैं वो बाहर रह रही हैं उनके साथ ज़रूर ये चीज़ शेयर कीजिए गाइस, हो सकता है ये किसी ना किसी के काम आ जाए सच में गाइस। तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। सी या, टेक केयर, लव यू गाइस, स्प्रेड लव। एंड इसका हैशटैग है मस्ट कैरी वन। ओके बाय बाय गाइस।